हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के इंदिरा प्रियदर्शिनी से इंदिरा गांधी बनने के सफ़र को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए गांधी सरनेम लगा लिया गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि भारत की पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कश्मीरी पंडित परिवार से आते थे। पंडित नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती बेटी थी इंदिरा प्रियदर्शिनी, जो कि उस वक्त कांग्रेस से जुड़ी थी और राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय थी। अब फिरोज़ गांधी के बारे में जान लेते हैं, जिनसे इनकी शादी हुई थी। फिरोज़ गांधी का जन्म एक गुजराती पारसी परिवार में हुआ था और उनका असली नाम था फिरोज़ जहांगीर गांधी। गांधी नहीं, गांधी, ये पारसी परिवारों का सरनेम होता है। यहाँ पर एक बात आपको और बताता हूँ कि बहुत सी जगहों से आपको ये भी बताया जाएगा कि उनका नाम फिरोज़ खान था, लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। फिरोज़ गांधी भी कांग्रेस के साथ जुड़े थे। पिता मैरिन में थे, इसलिए वो अपनी माँ के साथ गुजरात छोड़कर इलाहाबाद रहने आ गए। अब यहाँ आनंद भवन में इंदिरा गांधी भी रहती थी, तो दोनों संपर्क में आए और बाद में फिर इनकी शादी करने का फैसला लिया। लेकिन इस बात से पंडित नेहरू और कमला नेहरू काफ़ी भड़क गए, क्योंकि उस वक्त के भारत में दूसरे धर्म में शादी करना एक बहुत बड़ी बात थी और इससे उनके परिवार की राजनीति भी खतरे में आ जाती। तब महात्मा गांधी ने मोर्चा संभाला और अपना गांधी सरनेम फिरोज गांधी को दे दिया और इस तरह गांधी से गांधी बन गए फिरोज जहांगीर गांधी। और फिर इंदिरा प्रियदर्शिनी मतलब इंदिरा गांधी भी अपने पति के सरनेम को अपनाकर इंदिरा गांधी बन गईं। तो दोस्तों, बस यही बातें आपको बतानी थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ।